भैया प्रणाम।
सलाम। ये मुनि शेख आपके दर्शन से किताब हुआ, श्री पिताजी उषा से जो है तुम्हारे शोक में राजा का सर्वनाश हो गया। राजा का सर्वनाश हो गया क्या कहो? पिताजी का सर्वनाश हो गया। भरत तुम बड़े भाग्यशाली हो जो अंतिम क्षणों तक पिताजी की सेवा करते रहे। बेटा यह अनर्थ तो तुम सब भाई के अनुपस्थित में हुआ। यह क्या कहा, भरत भी उस समय वहां पर नहीं था? हाँ बेटा, भरत भी उस समय ननिहाल में था। हाय पिताजी, हाय पिताजी, कंठ कंठ कहा चले गए पिताजी? सत्य काम सत्य है, राम नाम सत्य है। Thank you.
वो भी ताली बजा रहा हूँ क्या बात है भरत की क्या दशा हो रही है देखो सबको धैर्य दो संसार का ऐसा ही व्यवहार है तुम शास्त्र की हो पुत्र का यही धर्म है कि दोनों लोगों में पिताजी की सेवा करो और श्राद्ध तर्पण जलांजलि द्वारा परलोक की सेवा करना तथा पितृ ऋण से मुक्त होना
तुम यहाँ कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए, वो मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए, कि तुम अयोध्या में जाकर राज्य करो और प्रजा की रक्षा करो। यही हम क्षत्रियों का कर्म है और यही हमारा मुख्य धर्म है। अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। यह लो चरण पादुका। भरत यहाँ से राम जी के चरण पादुका लेके अवध को लौट जाते हैं, क्योंकि बहुत कहने के बाद भी राम मना कर देते हैं। कमरे से कौन आ रहे हैं? अरे हाँ, उनके साथ एक सुंदरी भी है। चलकर थोड़ा परिचय ले लेते हैं। क्यों जी, कहाँ से आ रही हो? किस पुर की रहने वाली हो? लक्ष्मी हो किस घर की? किस आंगन की उद्यानी हो? सांवरे और गौरे है जो ये कौन तुम्हारे हैं दोनों? किस कुल के दीपक हैं ये दोनों? किस माँ के प्यारे हैं दोनों? हरी हरी
सुंदर बन स्त्री की प्रस्तुति जितने मुझे राज।